रबी सीजन की फसलों की खरीदारी सरकार ने शुरू कर दी है। 27 मार्च शनिवार से चना, सरसों, मसूर की खरीदारी समर्थन मूल्य पर शुरू हो गई है। यह जानकारी खुद मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने वीडियो जारी कर दी है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि सरकार ने पहले 15 मार्च और उसके बाद 22 मार्च से समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन ओलावृष्टि के कारण इस तारीख को आगे बढ़ाया गया और 27 मार्च से गेहूं, चना, सरसों, मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो गई है। किसान भाइयों को प्रणाम। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, किसान हितैषी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए, उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए, लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके लागत का 50% जोड़कर समर्थन मूल्य यानी MSP घोषित किया गया है। इस समर्थन मूल्य पर फसल की खरीदी करने के लिए हमने रबी सीजन का गेहूं, चना और सरसों जो कृषि विभाग के माध्यम से खरीदी जाती है उसकी शुरुआत 15 मार्च से आजाद भारत में पहली बार की थी, ताकि किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके। और जो हमारे 86% किसान सीमांत और लघु हैं यानी 5 एकड़ से छोटे हैं, वो उन्हें पौने भाव पर बेच देते थे क्योंकि इसकी खरीदी बाद में होती थी। और इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में पहले खरीदी करने का निर्णय लिया है, जिससे छोटे किसान जो 86% किसान भी अपनी फसल समर्थन मूल्य पर बेच सके। और इसलिए हमने 15 मार्च से निर्णय लिया था खरीदी करने का, लेकिन ओले और बारिश के कारण उसकी तारीख पहले 22 करना पड़ी, फिर 22 को भी ओले और बारिश हो गई, इसलिए आज 27 मार्च है, आज से हम खरीदी शुरू कर रहे हैं। आप सभी किसान भाई जिनका SMS से नंबर आया है वो खरीदी केंद्र पे जाएं, और खरीदी केंद्र भी हमने बढ़ा दिए हैं पिछली बार से, अधिक सुविधा के लिए किसानों को सुविधा, जहां भी मेरा हाउस है वहां पर हमने खरीदी केंद्र शुरू किए हैं। और इसलिए किसान भाइयों, चना, सरसों और मसूर समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अगर उससे ऊपर रेट मिल रहे हैं मंडी में तो आप मंडी में बेचें, और कम मिल रहा है तो समर्थन मूल्य पे बेचें, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना करने का, उसको हम हासिल कर सकें। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने जो ये पहले निर्णय लिया है समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का 15 मार्च से, और हमने 1 फरवरी से पंजीयन शुरू करा दिया, इसलिए सरसों और मसूर के समर्थन मूल्य से ऊपर 1000 ऊपर बिक रही है। और इसलिए हम किसानों की आय दोगुना करने में सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना जो 2022 का था वो 21 में ही हमने हासिल किया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में। और इसलिए किसान भाइयों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आपके लिए सदा तत्पर है आपकी समस्या का हल करने के लिए। और इसलिए आप 07552588823 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मालिक के साथ हेमंत मालिक की रिपोर्ट।